झरिया कतरास मोर सिंह नगर में कल देर रात आधा दर्जन अपराधियों ने भाजपा एवं सिंह मैनसन समर्थक 31 वर्षीय धनंजय कुमार यादव को चाकू भुजाई से मार मार कर लहूलुहान करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय धनंजय अपने घर पर खाना खा रहे थे, वही पास में पलंग पर उनकी 1.5 साल की मासूम बेटी बैठी थी। अपराधियों के दरवाजे पर दस्तक देने पर पत्नी द्वारा दरवाजा खोला गया, जहां अपराधियों नए घर में प्रवेश कर सीधे धनंजय को गोली मार दी। उसके बाद भी उन्होंने भुजाई और चाकू से धनंजय पर कई वार किए और परिजनों के सामने ही हत्या कर आराम से चलते बने। जहां आज घटना की जानकारी उपरांत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह ने मृतक धनंजय कुमार यादव के सिंह नगर स्थित आवास पहुंची एवं मृतक की मां पत्नी एवं बच्चों से मिल उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। वो इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रीमती सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रहा। झरिया में आए दिन इस तरह की घृणित और नरसंहार हत्या होते आ रही है, कोई ना कोई अपराधियों की गोली का शिकार हो रहा है, लेकिन प्रशासन सत्ता और शासन में मिलीभगत कर अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। आए दिन इस तरह की वारदातों में किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन शासन के प्रभाव में प्रशासन निष्पक्ष जांच ना कर खानापूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, और वह जल्द ही राज्य के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर विषयों को संज्ञान में देने की बात कही। मौके पर परिजनों के अलावा भाजपा के वरीय पदाधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्ट मनोज साव, झरिया। आज आप बोल रहे हो किस दिन नहीं होता ये पूछिए। हर एक महीना बीता है, बड़ा अंजाम दिया जाता है, और ऐसे में अब मुझे लगता है कि हम बोलते बोलते थक गए हैं, कहाँ नहीं गए और किस हद तक आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अपराधियों के इतना अब मनोबल बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं अब तो प्रशासन को भी बोलते बोलते हम भी थक गए हैं। लेकिन अब हम इस पे रूपरेखा तैयार करेंगे खुद, हम अपने पार्टी की ओर से, अपने संगठन की ओर से, क्योंकि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं रहा। और हम बोल ही रहे हैं कि पता नहीं 3 सालों में किसके मानूस कदम पड़े हैं कि आए दिन लोग निगल रही, एक एक व्यक्ति को निगल रहा है, और ऐसा मानूस छाया पड़ा है कि हमारे झरिया पे ये छाया हटे नहीं हट रहा है। और एक एक व्यक्ति, एक एक हमारे दलित परिवार, दाती परिवार, यादव परिवार, ऐसे कर कर के लोग टारगेट कर रहा है। ये जो बहुत चिंता का विषय है, और जिस तरह से अब तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी अपराधियों को मिलीभगत का सरकार चल रहा है, जैसे सरकार का मिलीभगत चल रहा है, उसी तरह अपराधी से भी प्रशासन का भी मिलीभगत चल रहा है। जो घटना घटी है बहुत ही निर्मल हत्या हुई है। प्रशासन कंप्लेन करने के बाद जैसे आम पब्लिक बताते हैं कि लोग, प्रशासन सलाह देती है कि जाकर घर में सेफ्टी से रहिए, घर के दरवाज़ा में मैंने कैमरा लगा कर रहिए, लेकिन अब अपराधी घर में घुसकर घटना का अंजाम दे रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से भुचाली से लेकर चाकू से लेकर पिस्टल से लेकर हर तरह से वार किया गया है। तो ये शर्म के बात है, प्रशासन के लिए बात शर्म के बात है कि प्रशासन का बगल में रहने के बावजूद भी, यानी रात में पेट्रोलिंग नहीं होता है, और कहीं ना कहीं प्रशासन ही श्रेय दिया हुआ है। इसके कारण आए दिन, और अभी उनके परिवार को लगातार धमकी मिल रही थी, और आए दिन इस तरह से अपराध, एक महीना नहीं बीतता है ये बड़ा अंजाम झरिया में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव है, प्रशासन का लापरवाही है, जिसका अंजाम हमारे आम जनता भुगत रही है। और इस पर अब हम लोग अपने तरीके से देखते हैं कि हम लोग संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब हमें किसी पर विश्वास नहीं रहा। जिस तरह से आए दिन घटना घट रही है, आए दिन हर एक पत्नी अपने पति खो रही है, और हर एक माँ एक बेटा खो रही है, ये बहुत दुखद की घटना है।